तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, जैसे कि एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, पीरियड, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी। और दोस्तों वेलोसिटी के ऊपर हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे, ठीक है। वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी जो है वो निकालने का फॉर्मूला हमने देखा था। दोस्तों फॉर्मूला क्या है, हमने दो फॉर्मूले देखे थे। पहला फॉर्मूला दोस्तों वी इज इक्वल टू एन इन टू लैम्डा, जहाँ पे एन होता है दोस्तों फ्रीक्वेंसी और लैम्डा होता है वेवलेंथ, ठीक है। तो वेलोसिटी को निकालने का एक तो ये फॉर्मूला हुआ। दूसरा फॉर्मूला क्या है दोस्तों वेलोसिटी को निकालने का, यहाँ पे देखिए वी इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई टी, जहाँ पे लैम्डा का मतलब है दोस्तों वेवलेंथ और टी का मतलब है दोस्तों यहाँ पे देखिए टाइम पीरियड। दोस्तों इस कंसेप्ट पे बेस्ड एक और एग्जांपल हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। पेज नंबर देखिए 158 एक्सरसाइज के अंदर का क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखिए सब क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन देखिए क्या है। साउंड वेव ए हैज पीरियड ऑफ 0.015 सेकेंड्स, मतलब यहाँ पे देखिए दोस्तों दो वेव्स हैं, जिसमें से पहली वेव है वेव ए, साउंड वेव ए, और दूसरी वेव है दोस्तों यहाँ पे देखिए साउंड वेव बी, ठीक है। साउंड वेव ए का टाइम पीरियड जो है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, वो है दोस्तों 0.015 सेकेंड्स। और साउंड वेव बी का जो टाइम पीरियड है दोस्तों वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, इसको हम टी ए बोलेंगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों हम टी बी बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है 0.025 सेकेंड्स। विच साउंड हैज़ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, मतलब आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ये साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है क्या। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो साउंड वेव है बी, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें दोस्तों देखिए यहाँ पे एन ए ग्रेटर है या फिर एन बी ग्रेटर है वो निकालना होगा। तो जैसे कि दोस्तों हमें पता है एन इज इक्वल टू 1/T होता है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए एन ए क्या होगा, एन ए विल बी व्हाट 1/TA होगा, और एन बी क्या होगा दोस्तों यहाँ पे देखिए एन बी विल बी इक्वल टू व्हाट 1/TB होगा। तो दोस्तों यहाँ से डायरेक्टली आप आंसर को लिख सकते हो, जिसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, देखिए दोस्तों अगर ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी उसकी कम होगी ना, और अगर दोस्तों देखिए जिसका टाइम पीरियड कम होगा, ये वैल्यू अगर कम होगी तो ये एन की वैल्यू ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए टी ए कितना है 0.015 है और टी बी है 0.025, तो टी बी की वैल्यू टी ए से ज़्यादा है। सो एज टी बी इज ग्रेटर दैन टी ए, ये वैल्यू इससे ज़्यादा है, तो ये वैल्यू ज़्यादा है तो ये वैल्यू कम होगी ना इससे। एन बी क्या होगा दोस्तों यहाँ पे एन बी फ्रीक्वेंसी ऑफ बी विल बी लेस दैन एन ए, मतलब क्या होगा यहाँ पे ए की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, बी की फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, विच साउंड हैज़ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, तो ये जो साउंड ए है इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। अगर ये आपके समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे एन ए क्या है देखिए 1/TA, तो टी ए की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। सो एन ए इज इक्वल टू व्हाट 1/TA, टी ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों यहाँ पे 0.015, और एन बी कितना है दोस्तों देखिए यहाँ पे एन बी है 1/TB, टी बी की वैल्यू है दोस्तों यहाँ पे 0.025 सेकेंड्स। अब इसका दोस्तों हम यहाँ पे डिवीजन करना है, तो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट करना होगा। तो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए देखिए तीन डिजिट्स आगे आपको यहाँ पे क्या करना होगा, शिफ्ट करना होगा। तो ऊपर नीचे आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करने पर ऊपर क्या होगा 1000 × 1 1000 आ जाएगा, और नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करने पर ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे चले जाने पर क्या होगा यहाँ पे 15 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए दोस्तों डेसिमल पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 1000 नीचे भी 1000 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा 25। अब सिंपली इसको सिंप्लीफाई करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 25 × 25 25, 4 × 100 और ये एक जीरो, मतलब ये एन बी आ रहा है यहाँ पे 40, ओके। और एन ए कितना आएगा देखिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है 15 × 6 = 90 ना, ठीक है 10 बचा, फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा डेसिमल पॉइंट, 66.66 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है दोस्तों कि एन ए जो है वो 66.66 आ रहा है और एन बी आ रहा है कितना यहाँ पे देखिए 40। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, एन ए इज़ ग्रेटर दैन एन बी, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। अब दोस्तों कोई भी एक वेव हो जो ट्रैवल कर रही है, यहाँ पे देखिए ये साउंड वेव ट्रैवल कर रही है और यहाँ पे जो है दोस्तों देखिए एक वेव है जो स्ट्रिंग के अंदर ट्रैवल कर रही है, ठीक है ओके। तो उसकी वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल टू एन लैम्डा, वी मतलब वेलोसिटी, एन मतलब दोस्तों होता है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा मतलब होता है उसकी वेवलेंथ, ठीक है। अब दोस्तों ये जो वेव है ये वेव किस मीडियम में से ट्रैवल कर रही है, इस वेव का मीडियम क्या है, इस वेव का मीडियम है दोस्तों देखिए स्ट्रिंग, ये जो वेव ट्रैवल कर रही है स्ट्रिंग में से ट्रैवल कर रही है। और यहाँ पे जो साउंड वेव है ये इसका मीडियम क्या है, ये यहाँ पे मान लेते हैं अगर एयर है तो इसका मीडियम क्या हुआ, ये जो साउंड वेव ट्रैवल कर रही है इसका मीडियम हुआ यहाँ पे एयर, ठीक है। अब दोस्तों ये जो वेव है जो ट्रैवल कर रही है इसकी वेलोसिटी, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी जो वेवलेंथ है इसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पे जानने वाले हैं, ठीक है। वो क्या है देखिए दोस्तों, वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ वेव डू नॉट चेंज इफ मीडियम रिमेन सेम, मतलब जो भी वेव ट्रैवल कर रही है वो अगर सेम मीडियम में ट्रैवल करती रहेगी तो उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है और उसकी जो वेवलेंथ है ये कभी चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। मतलब यहाँ पे देखिए जो साउंड वेव ट्रैवल कर रही है अगर यहाँ पे मीडियम सेम रहेगा, मीडियम अगर एयर ही रहेगा तो उसकी वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ये सब सेम रहेंगे। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे मान लेते हैं मीडियम चेंज हुआ, मान लेते हैं यहाँ पे देखिए पानी है आगे, इसके मान लेते हैं देखिए यहाँ पे पानी है, ये वाटर है,
तो यहाँ से यहाँ तो मीडियम एयर है, लेकिन इसके आगे क्या होगा, ये पानी में से ट्रैवल करेगी साउंड वेव, ठीक है। तो अगर दोस्तों मीडियम चेंज होता है तो क्या होगा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन जब तक मीडियम सेम है उसकी वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम रहेगी। अगर इस वेव की बात की जाए दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर जो मीडियम है वो मीडियम क्या है, एक रस्सी है, एक पतली रस्सी है। तो जब तक ये पतली रस्सी, ये जो पतली रस्सी है, ये पतली रस्सी में से अगर ये वेव ट्रैवल कर रही है, ठीक है, तब तक इसकी जो वेलोसिटी है, फ्रीक्वेंसी है और जो वेवलेंथ है वो चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर ये मीडियम चेंज हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा हम यहाँ पर देखेंगे। मीडियम चेंज हो रहा है मतलब मान लेते हैं यहाँ पे देखिए एक मोटी रस्सी लगाई गई है, ठीक है। अभी तक तो यहाँ तक तो ये पतली रस्सी थी, यहाँ पे ये ट्रैवल कर रही थी, लेकिन इसके आगे देखिए यहाँ पे एक मोटी रस्सी लगाई गई है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है ना, वहाँ पे क्या होता है हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो जब मीडियम चेंज करता है दोस्तों, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती। मतलब कोई भी वेव हो जो ट्रैवल कर रही हो, अगर मीडियम चेंज हो रहा है तभी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, अगर मीडियम चेंज नहीं हो रहा है तभी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं करती, ठीक है, ओके। और जो वेवलेंथ है दोस्तों, ये वेवलेंथ चेंज करेगी, अगर मीडियम चेंज होगा तो वेवलेंथ चेंज करेगी। मतलब देखिए यहाँ पे जो साउंड वेव ट्रैवल कर रही है, यहाँ पे अगर ये मीडियम चेंज हो रहा है तो यहाँ पे उसकी वेवलेंथ चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। यहाँ पे जो वेव ट्रैवल कर रही है पतली रस्सी के अंदर से, यहाँ पे अगर मीडियम चेंज होगा तो दोस्तों उसकी वेवलेंथ चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, ठीक है। और वी क्या होगा दोस्तों, जाहिर है अगर लैम्ब्डा चेंज हो रहा है, वी के फॉर्मूले के अंदर लैम्ब्डा है ना, तो वी भी चेंज करेगा। अगर लैम्ब्डा चेंज करेगा तो वी भी चेंज करेगा ना। तो अगर मीडियम चेंज कर रहा है दोस्तों, तो एन चेंज नहीं करेगा, लैम्ब्डा चेंज करेगा, वी चेंज करेगा, ठीक है। लेकिन अगर दोस्तों मीडियम सेम रह रहा है, अगर यहाँ पे देखिए इसके आगे भी पतली रस्सी है, तो इसकी वेलोसिटी, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी जो वेवलेंथ है वो सभी कांस्टेंट रहने वाले हैं। और यहाँ पे भी अगर दोस्तों एयर है, पूरा के पूरा एयर मीडियम है, तो उसकी वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम रहेगा, ठीक है। तो इस कंसेप्ट के ऊपर दोस्तों एक एग्जाम्पल है आपके टेक्स्ट बुक में, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। पेज नंबर दोस्तों देखिए 144 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 8.1 सॉल्व एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले रीड करिए एग्जाम्पल क्या लिखे दोस्तों। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक साउंड वेव है, उसकी जो स्पीड है एयर के अंदर वो कितनी है, देखिए दोस्तों यहाँ पे 330 मीटर पर सेकेंड। मतलब मीडियम अगर एयर है तो उसकी वेलोसिटी जो है 330 मीटर पर सेकेंड है। एंड दैट इन ग्लास, मतलब उसी साउंड की वेलोसिटी ग्लास के अंदर कितनी है, ग्लास के अंदर है देखिए दोस्तों यहाँ पे 4500 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेव सेम है, लेकिन एयर में जब वो ट्रैवल कर रही है तो वेलोसिटी 330 मीटर पर सेकेंड है, और जब मीडियम चेंज होता है तो 4500 मीटर पर सेकेंड इस वेलोसिटी से वो ट्रैवल करती है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, क्या फाइंड आउट करना है हमें, व्हाट इज द रेशो ऑफ वेवलेंथ ऑफ साउंड ऑफ अ गिवन फ्रीक्वेंसी इन द टू मीडिया। मतलब आपको क्या करना है, वेवलेंथ का रेशो निकालना है, वेवलेंथ ऑफ साउंड इन एयर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ साउंड इन ग्लास, इन दोनों का आपको यहाँ पे देखिए रेशो निकालना है फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी। मतलब जैसे कि हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती, एयर में से जब ग्लास में वो ट्रैवल करेगी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगी, लेकिन वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दोस्तों वेवलेंथ ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ ग्लास, ग्लास इन दोनों का यहाँ पे रेशो निकालना है, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है दोस्तों वी एयर का फॉर्मूला क्या होगा, वी एयर इज इक्वल टू एन इंटू वॉट, लैम्ब्डा एयर। यहाँ पे एन एयर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एन एयर हो या कोई दूसरा मीडियम हो सेम रहेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे वी ग्लास कैसे लिखोगे, एन इंटू वॉट, लैम्ब्डा ग्लास, ग्लास के अंदर ये रिलेशन रहेगा फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, और एयर के अंदर ये रिलेशन रहेगा दोस्तों फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो इसको इक्वेशन नंबर वन बोलेंगे हम, इसको इक्वेशन नंबर टू बोलेंगे। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है दोस्तों, लैम्ब्डा एयर डिवाइड बाय लैम्ब्डा ग्लास फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो अगर आप दोस्तों देखिए इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से डिवाइड करो, तो आपको एक साइड पे ये रेशो मिल रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन वन डिवाइडेड बाय इक्वेशन टू अगर आप यहाँ पे करते हो, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्या मिलेगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे वी एयर डिवाइडेड बाय वी ग्लास मिलेगा, और राइट हैंड साइड पे आपको देखिए दोस्तों यहाँ पे लैम्ब्डा एयर एन लैम्ब्डा एयर डिवाइडेड बाय एन इंटू लैम्ब्डा ग्लास मिलेगा। दोस्तों ये एन से एन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एन जो है सभी मीडियम में कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों आपको जो यहाँ पे पता करना था वो राइट हैंड साइड पे मिल चुका है, उसको हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेते हैं। डिवाइडेड बाय क्या होगा, यहाँ पे लैम्ब्डा ग्लास इज इक्वल टू वॉट, वेलोसिटी ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ग्लास, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कितना होगा 330, और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ग्लास क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 4500 होगा, ठीक है। यहाँ पे एक एक जीरोस कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 3 1 3 3 1 3, मतलब 11 का यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो आप इसको ऐसे, ठीक है, ओके। 3 1 3 3 5 15 0, सो 11 डिवाइडेड बाय 150। अगर ये आप सॉल्व करोगे दोस्तों, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आंसर मिल रहा है 0.0733। और क्योंकि दोस्तों ये रेशो है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, वेवलेंथ का यूनिट मीटर, ये वेवलेंथ का यूनिट मीटर, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये रेशो को यूनिट नहीं होगा, ये फाइनल आंसर होगा। इन दोनों का जो रेशो है वो होगा 0.0733। आपके जो टेक्स्ट बुक में आंसर दिया हुआ है वो क्या है, देखिए दोस्तों 7.33 × 10⁻²। तो ये आंसर भी करेक्ट है, ये आंसर भी करेक्ट है। 10⁻²² से मल्टीप्लाई करने पर ये डेसिमल पॉइंट दो डिजिट्स पीछे आ जाएगा, यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है वो दो डिजिट्स पीछे आने पर आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब जैसे कि दोस्तों वेव की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम देख चुके हैं, एक और लास्ट प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे देखनी है, वो क्या देखिए, वो प्रॉपर्टी है दोस्तों देखिए यहाँ पर डबल पीरियोडिसिटी, ओके। मतलब जो वेव होती है ना, ये वेव डबल पीरियोडिक होती है। पीरियोडिक का मतलब क्या है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ बाद में। डबल पीरियोडिसिटी क्या है देखिए, तो डबल पीरियोडिसिटी मतलब क्या, वेव इज पीरियोडिक इन स्पेस एंड वेव इज पीरियोडिक इन टाइम। पीरियोडिक का मतलब रिपीटेशन, ठीक है। जैसे कि दोस्तों देखिए यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, कि ये एक स्ट्रिंग है,
ओके, और इस स्ट्रिंग के अंदर देखिए एक वेव ट्रैवल कर रही है, ओके। तो ये जो वेव है इसका जो फॉर्म है, ये जो शेप शेप बोल सकते हो आप यहाँ पे, ये शेप आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ स्पेस, ठीक है, ये रिपीट करता है, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पे इतने डिस्टेंस पर ये जो शेप है ये शेप रिपीट कर रहा है, मतलब पीरियोडिक है, पीरियोडिक मतलब रिपीटेशन हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। देखिए दोस्तों इतने डिस्टेंस के बाद ये जो वेव है अपने फॉर्म को रिपीट करेगी, फिर से यहाँ पे देखिए अपने फॉर्म को रिपीट करेगी है। तो कुछ डिस्टेंस के बाद ये अपने जो फॉर्म है इस फॉर्म को रिपीट करती है, इसी प्रॉपर्टी को दोस्तों बोलते हैं इट इज़ पीरियोडिक इन स्पेस, ठीक है। अब जैसे कि दोस्तों ये जो वेव है ये टाइम के साथ साथ इधर ट्रैवल कर रही है ना, तो कुछ देर बाद आपको क्या दिखाएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ देर बाद आपको यहाँ पे देखिए ऐसे दिखेगा। अभी किसी टाइम पे मान लेते हैं टाइम इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड है, तब आपको ये दिख रहा है ऐसे। जब टाइम चेंज होगा, मान लेते हैं टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड हुआ, तो आपको यहाँ पे देखिए क्या दिखेगा, यहाँ पे ये जो ट्रफ है इसको क्रेस्ट बोलते हैं, इसको ट्रफ बोलते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे दोस्तों देखिए ट्रफ है वहाँ पे अब क्या होगा, क्रेस्ट आ जाएगा, और जहाँ पे क्रेस्ट है वहाँ पे ट्रफ आ जाएगा। ये आगे जा रही है ना, ये वेव जो है ये आगे ट्रैवल कर रही है, तो ये आगे ट्रैवल करेगी, यहाँ पे आपको दिखेगा ट्रफ, यहाँ पे आपको दिखेगा क्रेस्ट, यहाँ पे आपको ट्रफ दिखेगा, यहाँ पे आपको क्रेस्ट दिखेगा, ट्रफ क्रेस्ट, ठीक है। तो ये जो वेव है देखिए ये वेव जो है ये ट्रैवल कर रही है, इसकी वजह से थोड़ी टाइम के बाद आपको ऐसे दिखा। अब थोड़ी टाइम के बाद और क्या दिखेगा, देखिए दोस्तों आपको जब टाइम इज इक्वल टू मान लेते हैं यहाँ पे देखिए टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या दिखेगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे क्रेस्ट था वहाँ पे आपको दिखेगा ट्रफ, यहाँ पे ट्रफ था वहाँ पे क्रेस्ट दिखेगा, ठीक है। मतलब आपको ये जो वेव है वो ऐसी दिखेगी, मतलब इसका जो शेप यहाँ पे था वैसे ही शेप यहाँ पे दिखेगा, ओके। मतलब ये जो वेव है अपने फॉर्म को किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद भी रिपीट कर रही है, इसीलिए इसको बोला जाता है दोस्तों वेव इज़ पीरियोडिक इन टाइम। वेव अपने शेप को किसी डिस्टेंस के बाद रिपीट करती है उसको बोलते हैं वेव इज़ पीरियोडिक इन स्पेस, और वेव अपने शेप को थोड़े टाइम के बाद रिपीट करती है उसको बोलते हैं दोस्तों वेव इज़ पीरियोडिक इन टाइम, ठीक है। तो ये थी दोस्तों लास्ट प्रॉपर्टी वेव की, इसका अगला जो पार्ट है उसको हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।